हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। तो कैसे हो आप सब भाई? आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं 2-3 बजे से, 2-3 नहीं 3 बजे से। तो गाइस, आज फिर से लग गई है बर्फ। ये देखो गाइस, ये और मैं आई थी इधर घूमने। मैंने सोचा घूम भी लूँ और व्लॉग भी थोड़े बहुत बना लूँ, क्योंकि फिर होता है ना, लाइट चले जाती है तो मुश्किल हो जाती है। पिछले कल 2 दिनों बाद आई लाइट, तो 2 दिनों बाद आई थी लाइट। और ये देखो गाइस, ये क्या मिल गया मुझे। इसको कहते हैं शान, पहाड़ी लैंग्वेज में ये होता है, मतलब जो पानी होता है ना उसका बनता है ये, फिर जैसे उसमें पिघल के बनता है फ्रिज में, वैसे ये भी बन जाता है जम के ऐसे, देखो। तो गाइस, और तो ठीक है ना, बट बर्फ में ठंड इतना ज्यादा है इस बार तो पूछो मत। और बारी मुझे मतलब ठंड नहीं लगता था पहले तो मैं बर्फ में नंगे पांव चलती थी, बट इस बार पता नहीं क्या भाई, ठंड इतना, ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा, पूछो मत। ये रहना गाइस, देखते हैं देखते हैं, मैं इसको फाड़ पाती हूँ कि नहीं, वो भी ऐसे। हाँ नहीं, देखो गाइस, इसको खाना ना बड़ा ही मजा आता है मेरे को। तो मैं और कुछ खाती रहती हूँ गंदगी। वाह, इट्स वेरी वेरी टेस्टी। गाइस ये देखो, इतनी ज्यादा बर्फ गिर गई है, ये अब गिरी बिल्कुल काफी कम हो गया। गाइस ये देखो, अभी मैं आ गई हूँ भाभी के पास। तो अभी हम इधर बैठे हुए हैं, तो गाइस अभी हम बैठे हुए हैं और बाहर लगी है बर्फ थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी नहीं, ठीक ठाक ही लगी है। ये देखो गाइस, भाभी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, घर ही बैठी हूँ। बैठी हूँ तो मिस्टी यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से चली गई है, नहीं तो उसके साथ खेलेंगे थोड़ी देर। तो ठीक है, फिलहाल चलते हैं बाहर, बताते हैं आपको फिर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से परे। देखो गाइस, नीचे कितनी कितनी बर्फ पड़ी हुई है। हाँ यही बनाएंगे, यही तो गाइस ये देखो, बर्फ ही बर्फ। हाँ सच में, वो नहीं गिरा भाभी पिछले कल, वो तो ताऊ वगैरह ने डाला, सच में कसम से मेरे को लगा खुद पता मिल रहा है। देखो गाइस, मैं और भाभी जा रहे हैं बर्फ में एंजॉय करने। तो ये देखो, अभी फिलहाल हम थोड़ी देर बाद ब्लॉग बनाएंगे, अभी हम वीडियो वाडियो बना लेते हैं, बैठ गया फोटो निकालने के लिए। तो गाइस अभी हम घर पर आ गए, घर पर आ गए क्योंकि काफी ज्यादा ठंड गया है। आई एम बैक टू होम गाइज, ऐसे बोलते हैं भाभी, क्या इंग्लिश बोलते हो आप भी। तो गाइज ये देखो, नीचे इतनी इतनी बर्फ पड़ी है और ऊपर से अब और लगी है बर्फ बर्फ। तो चलते हैं घर क्योंकि काफ़ी शेड़ लग चुका है मेरे को। देखो गाइज, और भाभी है ना, भाभी को गर्मी लगी थी, ये तो चप्पल चुप्पल जुराबे जुराबे खोल के वीडियो बना रहे थे। तो ये देखो गाइज, इतनी इतनी बर्फ। गए चलते घर, घर में तब थे आग वाग, नहीं तो कुल्फी जम जाएगी हमारी। है नहीं तो भाभी रो पड़ेगी सच में। तो गाइस अभी मैं निकल गई, आ गई हूँ भाभी के घर से और पहुंच गई हूँ इधर थोड़ा नीचे। तो गाइस ये देखो, बर्फ फिर से हो गई स्टार्ट थोड़ी थोड़ी। तो जो इधर इधर लगाया था कुछ ना, वो भी इसके नीचे ही फंस गया अब। तो अभी फिलहाल ऊपर से टपक पड़ी है बर्फ, बर्फ नहीं बोलेंगे इसको, पता नहीं क्या ये छोटा छोटा ऐसा अजीब सा कुछ, बर्फ ही बोलेंगे, बट ऐसा है कि कुछ अजीब सा भाई, ना पानी ना बर्फ, पता नहीं क्या आई। तो कैसे देखो पीछे कैसे हो गया है, तो ये देखो नीचे भी
तो गाइज आज मैंने ब्लॉग शूट करा है बहुत ही लेट से, क्योंकि सुबह से हम बैठे हुए थे, बड़े पापा वगैरह पता नहीं कौन कौन भाई वगैरह बड़े मम्मी वगैरह, तो मुझे टाइम ही नहीं लगा ब्लॉग शूट करने का, मतलब सोचा भी नहीं कि ब्लॉग बना लूँ। तो अभी मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग बना लूँ, तो अभी मैं ब्लॉग ब्लॉग बनाने लग गई हूँ। तो ठीक है गाइज चलो चलते हैं। तो गाइज अभी मैंने फिलहाल सोचा कि मैं लकड़ी वकड़ी जो है ले जाऊँ किचन को, क्योंकि रात के लिए फिर जलाने के लिए होंगी, और हमारी लकड़ियों का स्टोर है इधर। ये देखो गाइज इधर जो लकड़ियाँ हैं, जितनी भी लकड़ियाँ हैं मतलब हमने फाड़ के रखी है, क्योंकि आजकल दिक्कत हो जाती है फाड़ने में, कहाँ ही फाड़नी, तो इधर सारी लकड़ियाँ स्टोर करके रखी है। तो फिलहाल ले जाएंगे हम इधर से लकड़ी वकड़ी, तो और बाहर फिर से शुरू हो पड़ी है बर्फ। दो गाइड्स इतनी छोटी छोटी लकड़ियाँ करके रखते हैं हम स्टोर, क्योंकि फिर होता है जब ज़्यादा बर्फ लगती है तो हो जाता है कि यहाँ अंधेरा अंधेरा आ रहा है कुछ, पर ऐसा होता है कि जब ज़्यादा बर्फ लग जाती है तो बाहर ना निकले, तो इधर से ही लकड़ियाँ उठाई दो और चल दिए। तो ठीक है गाइड्स फिलहाल मैं लकड़ियाँ वकड़ियाँ डाल देती हूँ नहीं ले जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ए गिले रे जाना है दो तो क्या और बकरे दे खाने इतना नहीं खा सकते तुम, फिर क्या दे रहे तुम नहीं नहीं करी पर तोड़े है ना जाती ना खाना ही नहीं खाना किले खिजा खाना खानी अच्छा मोरा तो रो तुम ना नहीं ना ओ कौन भी तो क्या इतनी मेरे आटो का बनवा खाना है। हां जो ये सभी खा रहे चाचा की खाएगी अभी, ये देखो ये मम्मी के लिए है। कहीं तो मेरी दाल खत्म हो गई है, तुम खाएंगे क्या? मैंने दूसरी दाल भी बनाई है सही है। तो गाइस यहाँ पे हम तीनों निकालेंगे हलवा जो मैंने बनाया था, लेकिन टेस्टी हलवा बनाया मैंने। खुद जरा क्यों नू बड़ी बड़े पुलिस लेना तो गाइस अब हम खाएंगे खाना। गाइस मैं खाऊंगी इसके अंदर खाना। बड़े थालू के अंदर खाना जल्दी। तो गाइस अभी मैं खाना वाना खा के, खाना वाना तो कब का खा लिया है मैंने, और उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे थे ऐसे ही, पापा मम्मी मैं पल्लू, मेरा भाई तो आज जा रखा है बड़ी मम्मी के घर। तो अभी मैं फिलहाल रूम आ गई मुश्किल मुश्किल जाके, क्योंकि मैंने मम्मी को हॉटस्पॉट दे रखा था, और फिर मम्मी चला रहे थे फोन तो वो तब जाके। तो गई जब सोने भी वाले हैं, पल्लू आने को रही है, पल्लू है परे किचन में, तो वो भी आएगी थोड़ी देर में। गई आज बहुत सारा घास लग गया मेरे पे, और बर्फ भी अभी तक तो जमी हुई है मेरे में। तो गई आज मौसम बाहर फिलहाल साफ हो गया है, पर ऐसा क्या रहेगी बर्फ बताई हुई है, पर पता नहीं लग जाएगा सुबह तक पता क्या होता है क्या नहीं। तो इधर मैं जैकेट उतार रही हूँ पर ये उतर नहीं रहा है, क्योंकि काफी वो हो गया है आज, मतलब यार इसके साथ नहीं सोया जाता। तो ठीक है गाइज मिलवाती हूँ आपको पल्लू से जब वो आता। तो गाइज ये देखो पल्लू भी आ गई रूम। पल्लू पल्लू एक बार बता अपना वैसे, क्योंकि उसके बाद सोना हमने, फिर लोग देखना चाहते तेरे को। तो गाइज ये नहीं बताने वाली अब कि जाओ अच्छा। ये क्या हो मोए मोए, तो आज मेरी खांसी ना 1 महीना चला हो तो खांसी नहीं हो रही खत्म। ये देखो गाइस ये मेरे दोस्त है, ये मेरे साथ सोता है, और ये देखो गाइस ये मेरी सिस्टर है जो परे सोई है। तो गाइस आज बाहर का मौसम पता नहीं सुबह लगेगा पता कितनी बर्फ हुई कितना क्या हुआ, तो इस ब्लॉग को छोड़ूंगी मैं आज ही, क्योंकि फिर लाइट का कोई अता पता नहीं होता। तो
देखते हैं फिर, अगर लाइट होगी तो डेली व्लॉग्स आएंगे, अगर नहीं होगी तो फिर देखेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना।